क्या नाम है आपका? श्रद्धा नाम है मेरा। आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी मैं झारखंड रांची की हूँ। ये गवाही आपकी भांजी की है जी। 6 साल उसकी उम्र है जी। आप खुल के बताएं उसको क्या हुआ था, क्या प्रॉब्लम थी, डॉक्टर क्या बताते थे, अपनी गवाही खुल को बताएं जी। मेरी भांजी की तबीयत 26 अगस्त को खराब होने लगी। वो स्कूल गई हुई थी, वहाँ से लौटने के बाद वो तबीयत की बीमार हो गई और उसको इसको डॉक्टर के पास लेकर के गया जाया गया और डॉक्टर ने जब उसका ट्रीटमेंट किया और बताया कि उसको निमोनिया हो गया है। उसके बाद दिनों दिन उसकी मेडिसिन चल रही थी, तबीयत घर पर ही थी, स्कूल नहीं भेजा जा रहा था और तबीयत दिनों दिन खराब ही होती चली गई। मेडिसिन ले रही है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं। और ऐसे में फिर बच्ची बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई तो सेंटिविटा जो रांची में हॉस्पिटल है उसमें उसको एडमिट किया गया 2 सितंबर को। और जिस दिन उसको एडमिट किया गया 3 तारीख को वो सेंटिविटा में थी। उसके बाद उसकी इतनी स्थिति खराब हो गई कि उसको वहाँ के जो रानी चिल्ड्रंस हॉस्पिटल रांची में फेमस हॉस्पिटल है वहाँ उसको रेफ़र किया गया और उसको आईसीयू में भर्ती किया गया। उसके बाद उसको 4 सितंबर को एडमिट किया गया और फिर 5 सितंबर की शाम को ही वेंटिलेटर पर बच्ची को रखा गया और सारा सिस्टम वेंटिलेटर से जा रहा था। उसको सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, निमोनिया उसको बताया गया था और 10% वो केवल सांस ले पा रही थी, 90% जो उसको ऑक्सीजन मशीन के द्वारा जा रहा था। डॉक्टर क्या बताते थे कि बचने की गारंटी है? डॉक्टर ने कह दिया था जब वेंटिलेटर में ही उसको भेजा गया तभी कह दिया था कि अब उसके बचने की कोई ये नहीं है। तो सारे घर के लोग ना रोने लग गए थे, जो मेरी सिस्टर है वो काफ़ी रोने लगे, मुझे फ़ोन की तो मैंने कहा डर मत, परमेश्वर हमारे साथ है, कभी हमारा मुंह काला नहीं होने देगा, हम लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे लिए प्रभु हमारे लिए है। और लाखों रुपए बच्ची के इलाज के ऊपर लग चुके थे। सिर्फ 2 सप्ताह में हॉस्पिटल में 4 लाख रुपए खर्च हो गए, वेंटिलेटर का भी एक दिन का बहुत खर्च आ रहा था। और बच्ची को फिर हमने काफ़ी, मैं उसकी बड़ी मामा हूँ और हमने यानी कि मैंने पास्टर अंकुर नरोला जी का हमेशा देखती थी, विश्वास करती थी और मुझे मालूम था कि ले हैंड होता है। उसका ईमेल डाला, मेरे बेटे ने भी उसका ईमेल भेजने में काफ़ी मदद की और उसका रिप्लाई भी दिया। और खुदावंद इतना महान है कि फ्राइडे को ही जो ईमेल डाला गया और उसके बाद सैटरडे को मेरी सिस्टर के पास कॉल आ गया और फिर उसके ले हैंड के लिए डेट फिक्स हो गया 10 सितंबर संडे के दिन। और शैरोन जॉस्पिन शैरोन हॉस्पिटल में ही थी, वो वेंटिलेटर भी थी और मैं और मेरे बेटे को लेकर के मैं हॉस्पिटल गई। मेरी जो सिस्टर है जिनकी बेटी है वो हॉस्पिटल में ही थी, मैं बोली कि वहीं से डॉक्टर से परमिशन लेना और सुबह से तुम मीटिंग में बैठ जाना और बड़े विश्वास के साथ बैठना, हमारा विश्वास करना, जो हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जरूर परमेश्वर शैरोन को चंगा करेगा। मतलब जिस टाइम ले हैंड प्रेयर हुई उस टाइम बच्ची हॉस्पिटल में थी, वेंटिलेटर में थी, बिल्कुल कोमा की स्थिति, कोई सिचुएशन नहीं, उसका प्रेशर भी लो हो चुका था और डॉक्टर तो हाथ खड़े ही कर चुके थे। फ्राइडे को ही उन्होंने बोल दिया था कि एक नया वायरस उसके ब्लड में आ गया है। और इन्होंने A&M हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के थ्रू जब बच्ची की प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजा, ईमेल सेंड करी, तो जब जूम ऐप के ऊपर इनको जोड़ा गया तो ले हैंड जब हो रही थी उस टाइम भी बच्ची आईसीयू में थी। उस ले हैंड प्रेयर को हम देखते हैं पहले। फ्री हो जाओ, तुम आजाद हो, यीशु मसीह के नाम में एक एक जन को छू खुदावन। यीशु मसीह के नाम में चंगी हो जाओ और आजाद हो जाओ और छूट जाओ अपने हर एक रोग से यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और जब परमेश्वर के दास ने ले हैंड प्रेयर की, बच्ची उस समय हॉस्पिटल में थी, आप भी वहाँ उसके पास ही थे जी, जब ले हैंड हो रही थी और अंकुर नरोला जी ने जब ले हैंड किया उसके बाद मैं तुरंत अपनी भांजी के पास गई। मैं वहाँ पर जस्ट बैठी हुई थी, मिलने के लिए गई। उसके बाद जस्ट इवनिंग का टाइम था, करीब 5 o'clock हो रहे थे, 2 डॉक्टर वहाँ पर विजिट करने के लिए आई। मैंने पूछा कि अभी बच्ची की स्थिति कैसी है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, जैसे प्रेयर हुई वो मूव करने लगी क्योंकि बच्ची डेड की स्थिति में ही थी, पूरा उसका वो पैर उठ रहा था, मूव कर रही थी। और सचमुच परमेश्वर बहुत महान है। और उसका जब डॉक्टर से मैंने पूछा कि डॉक्टर शैरोन की तबीयत कैसी है, तो डॉक्टर ने कहा कि बहुत इम्प्रूवमेंट है और अद्भुत। उसने भी बहुत ये किया कि जो बीपी लो हो चुका था
हमारा जो नॉर्मल बीपी होता 130/80 वो उसको वो स्क्रीन में पूरा आने लग गया और उसका जो हार्ट बीट वो भी पूरा नॉर्मल हो गया। हमारा परमेश्वर सचमुच अद्भुत परमेश्वर है। परमेश्वर का थैंक्स करें तालियों के साथ। उस वीडियो को हम देखेंगे दोबारा से। ये वीडियो जो बच्ची की है खेलने की, ये कब की है जी? जब ये ठीक हो गई और स्कूल जाने लगी तो ये सितंबर लास्ट वीक अक्टूबर में स्टार्ट किया उसने क्लासेस, उस समय की है। और डॉक्टर का क्या कहना था? डॉक्टर ने तो पूरे हाथ खड़े कर चुके थे, डेड का ही कर दिया था, सारे लोग रो रहे थे। डॉक्टर ने हाथ खड़ा किया और डॉक्टर ने लास्ट में ये भी कहा और नर्सेस भी कहा, क्योंकि वो लोग सैरों का चेकअप कर रहे थे, जान रहे थे वो लोग, उन्होंने कहा क्या आप क्रिश्चियन हो, कहीं से आपने प्रेयर किया? तो मैंने मेरी सिस्टर को बोला बताओ नर्सों को भी कि हमारा परमेश्वर जिंदा खुदा है और वो परमेश्वर हमें चंगा देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का थैंक्स करें जोर से तालियों के साथ। अपने हाथ को हिलाएं कलीसिया, ऑनलाइन चर्च, सब सब परमेश्वर का थैंक्स करें बड़ी हीलिंग के लिए, बड़ी गवाही के लिए। और अभी वो बच्ची बिल्कुल ठीक है, स्कूल जाती है, नॉर्मल एक्टिविटीज करती है, कोई उसको कोई प्रॉब्लम नहीं अभी। सब सब परमेश्वर का थैंक्स करें इस चंगाई के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए। जोर से तालियों के साथ सब उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें।